Hello friends, welcome to Gates Measure. Let's understand the concept of shortest job first scheduling algorithm with a numerical. तो numerical में हमारे पास सबसे पहले given है चार processes हैं P1, P2, P3, P4. Arrival time given है और burst time given है. ये almost आपको सारे numericals में given होगा. What we need to find is completion time, turnaround time, waiting time, response time. तो हमारे पास algorithm है shortest job first. Shortest job first में क्राइटेरिया है burst time, मतलब हम burst time को चेक करते हैं. Shortest job का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसका burst time कम होगा हम उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे, मतलब उस प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू के ऊपर रन करवाएंगे. और मोड क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब अगर एक प्रोसेस सीपीयू को दे दिया कि एग्जीक्यूट कर, अब वो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, बीच में इंटरप्ट नहीं होगा. तो अब स्टार्ट करते हैं, गैंट चार्ट की हेल्प से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट विल मेक द प्रोसेस वेरी इजी. टाइम जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है, तो पहले स्टार्ट करते हैं जीरो पे. तो जीरो पे कौन सा प्रोसेस है जो अराइव हो गया? अब यहां पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि एनी प्रोसेस विच इज अराइव्ड एट जीरो, देयर इज नो प्रोसेस जो जीरो पे अराइव हुआ. इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आपको आता है एग्जाम्स में, तो कोई बात नहीं है. जीरो से वन आप सिंपली इसको आइडल, आइडल मतलब सीपीयू जो है वो जीरो से वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए आइडल है. ठीक है, जब कोई प्रोसेस ही नहीं है तो ऑब्वियसली सीपीयू आइडल ही रहेगा. अब एट टाइम वन, अब हम टाइम वन पे खड़े हैं, वन पे चेक करो सबसे पहले कि कौन से प्रोसेस अराइव हुए. बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया बाद में चेक करना है, पहले तो ये पता करो यार कि कौन से प्रोसेस अराइव हो गए. तो मैंने वन पे चेक किया तो P1 अराइव हो गया वन पे एंड P3 अराइव हो गया, मतलब P1 एंड P3 बोथ अराइव्ड एट वन. अब P1 को पिक करना है या P3 को पिक करना है, इसके लिए मुझे क्राइटेरिया यूज करना है, दैट इज द बर्स्ट टाइम. तो पहले P1 का बर्स्ट टाइम चेक किया 3, P3 का बर्स्ट टाइम चेक किया 2, तो दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन है, मतलब कम कौन सा है? 2. तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे पहले? P3 को, बिकॉज इसका बर्स्ट टाइम जो है वो कम है. तो अब मोड मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब इसको पूरे का पूरा एग्जीक्यूट करना है. पूरा एग्जीक्यूट करने का मतलब है इसका बर्स्ट टाइम कितना, एग्जीक्यूशन टाइम है 2, तो इसको 2 टाइम तक एग्जीक्यूट करवाया. 2 का मतलब 1 पे हम खड़े हैं, दो टाइम और लगेगा, दो यूनिट ऑफ टाइम और लगेंगे, तो 1 + 2 दैट विल बिकम 3. तो 3 पे P3 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया. अब हम कितने पे खड़े हैं? टाइम 3 पे. तो टाइम 3 पे सबसे पहले चेक करना है कि कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं. P1 ऑलरेडी अराइव हो चुका है, P1 तो 1 पे हो चुका है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो P1 को अभी यहां पे रखो. P1 के अलावा कौन सा प्रोसेस अराइव हो गया 3 पे? 3 पे अगर चेक करें, यस, P2 2 पे अराइव हो चुका है, तो आप सिंपली यहां पे लिख लो कि यस, P3 एंड P1 ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रेडी क्यू. अब ये दो प्रोसेस अगर रेडी क्यू में है तो इनमें से किस प्रोसेस को सेलेक्ट करना है? वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? बर्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहले अराइव चेक करो कि कौन से प्रोसेस अराइव हो गए. अगर एक ही अराइव हुआ है तो फिर तो बर्स्ट टाइम का कोई फंडा ही नहीं है, उस प्रोसेस को ही चलाना पड़ेगा. लेकिन अगर ज्यादा प्रोसेस आ गए उस टाइम पे, अराइव हो गए, तब यूज करना है बर्स्ट टाइम. तो इस केस में P1 एंड P3 मेरे पास आ गए, तो पहले बर्स्ट टाइम चेक करते हैं. P1 का बर्स्ट टाइम है 3 एंड P3 का बर्स्ट टाइम है, सॉरी, P2 यहां पे आएगा, P2 आया ना 2 पे, तो P3 तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया, इसको तो हटा सकते हो. P1 और P2 का बर्स्ट टाइम चेक करते हैं. P1 का बर्स्ट टाइम है 3 एंड P2 का बर्स्ट टाइम है 4, तो दोनों में से बर्स्ट टाइम कम किसका है? P1 का. तो P1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? 3. तो 3 का मतलब है 3 + 3, 6 यूनिट ऑफ टाइम तक ये जो है P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब इसको भी आप यहां से हटा सकते हो, बिकॉज ये दोनों निकल गए. अब P1 यहां से निकल गया तो मेरे पास सिर्फ P2 बचा हुआ है, लेकिन टाइम जो है, पहले टाइम देखो आप, 6 पे अब चेक करो कौन सा प्रोसेस आ गया. P4 आ गया, बिकॉज P4 कितने पे आना था? 4 पे. तो मतलब somehow इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं P4 आ गया, तो यानी मैं कह सकता हूं रेडी क्यू में दो प्रोसेस पड़े हैं, P2 एंड P4. अब इन दोनों प्रोसेसेस में से किस प्रोसेस को सिलेक्ट कर रहा है? अगेन बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया चूज करेंगे, तो बर्स्ट टाइम चेक करो P2 का 4,
P4 का 4, यानी दोनों का ही बर्स्ट टाइम सेम है। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने जानबूझ के बनाया ऐसा ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस को हम कवर कर सकें। इस केस में जब P2 और P4 का बर्स्ट टाइम सेम हो तब किसको सेलेक्ट कर रहा है, बिकॉज बर्स्ट टाइम तो दोनों का सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आए तो आप एक स्टेप बैक आ जाओ। बैक का मतलब अराइवल टाइम चेक करो। अराइवल टाइम देखो अब सबसे कम किसका है, मतलब इन दोनों में से किसका अराइवल टाइम कम है, मतलब कौन पहले आया था, तो आपको पता लग जाएगा P2 पहले आया था। तो यानी इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, P2 को। ऑल्दो बर्स्ट टाइम सेम है लेकिन क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं P2 को, बिकॉज ऑफ अराइवल टाइम। इन केस अराइवल टाइम भी सेम होता, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम कर लें कि अराइवल टाइम भी सेम है, तो उस केस में आप सिंपल प्रोसेस आईडी पे आ जाओ, जिसकी प्रोसेस आईडी कम है उसको आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम P2 को सिलेक्ट कर रहे हैं पहले, और P2 को 4 यूनिट ऑफ टाइम तक चलाना है, 6 + 4 = 10। तो 10 टाइम तक हमने P2 को चलाया। अब उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज अकेला P4 ही बचा हुआ है, तो P4 को सिलेक्ट किया और उसको भी 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो 4 यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है 10 + 4 = 14। तो P4 जो है 14 पे कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीशन टाइम लिख लो सबसे पहले। P1 कंप्लीट कब हुआ, गैंट चार्ट में देखो, P1 के राइट हैंड साइड पे 6, तो 6 पे कंप्लीट हुआ। P2 का चेक करो, 10 पे कंप्लीट हुआ। P3 का चेक किया, 3 पे कंप्लीट हुआ। P4 का चेक किया, 14 पे कंप्लीट हुआ। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम। जब कंप्लीशन टाइम आ गया उसके बाद टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, तो सिंपल फार्मूला आप इसको यूज करो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। तो इसका वैल्यू क्या आएगी, 5, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 2 1 2, 14 माइनस 4 10। नाउ द वेटिंग टाइम फॉर्मूला, वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम इज 5, बर्स्ट टाइम इज 3, सो इट कम्स आउट टू बी 2, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 4 6। सो दिस इज द वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम जो है नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा। इन केस अगर आपसे पूछ लें तो आप सिंपल कैसे सेलेक्ट करते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम, द टाइम एट विच अ प्रोसेस गेट द CPU फर्स्ट टाइम। जैसे P3 को पहली बार CPU कब मिला, 1 पे, लेफ्ट साइड चेक करो, 1 पे, और P3 आया कब था, 1 पे, तो 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0। मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा, बट इन केस अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों नहीं आ रहा इसमें, प्रीएम्प्टिव के केस में ही आएगा रिस्पांस टाइम, बिकॉज जब एक प्रोसेस को सीपीयू मिल गया किसी भी टाइम पे मिला, तो उसके बाद वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो दूसरी बार या तीसरी बार सीपीयू मिलने का चांस ही नहीं है। एक बार जब मिल गया उसी टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन प्रीएम्प्टिव के केस में क्या होता है, वो स्विच करता है सीपीयू, हो सकता है बाद में उसकी टर्न फिर आए, उस केस में यूज करेगा। तो इस केस में आप रिस्पांस टाइम को चाहे ना ही फाइंड करो, बिकॉज ये वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे इसके बाद पूछ सकते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, आप इसका टोटल कर लो, टोटल विल बी 12 20 25 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस, दैट इज 4, सो इट कम्स आउट टू बी 6.25। एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम इसका पहले टोटल कर लो, 6 + 4 = 10 + 2 = 12 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस, दैट इज 4, सो एवरेज वेटिंग टाइम कम्स आउट टू बी 3। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। थैंक यू।